अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नेपाल ने बिहार की लाल बकिया नदी पर हो रहे मरम्मत कार्य पर लगाई रोक, बांध का काम रुकने से बिहार में बाढ़ की आशंका। बिहार और नेपाल के बीच बहने वाली लाल बकिया नदी के बांध पर चल रहे मरम्मत कार्य को नेपाल ने रुकवा दिया है। उसका कहना था कि यह काम नो मैंस लैंड में हो रहा है, जो हमारी अनुमति के बिना नहीं हो सकता। काम रुकने के बाद मोतिहारी जिला प्रशासन और नेपाली अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें तय किया गया है कि दोनों देशों की सर्वे टीम यहां आकर सर्वे करेगी, जिसके बाद इसका काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद मोतिहारी जिला प्रशासन ने इस मसले को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय सर्वे संस्थान को पत्र लिखा है और हस्तक्षेप की मांग की है। मोतिहारी के डीएम ने कहा कि नेपाल को कुछ पिलर्स के नो मैंस लैंड में होने की आशंका है, जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। बलुआबावारी जो बांध है लाल बकिया नदी के तटबंध पे है, लगभग उसका दूरी 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर की दूरी है, तो पिलर नंबर 346/5 एंड 346/7 दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। यहीं पर जो है कि काम रुका हुआ है। उसमें नेपाल स्थित प्रशासन का ये कहना है कि ये जो कुछ वर्क हो रहा है वो नो मैंस लैंड में प्रतीत होता है। इसी के अंदर जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है देहरादून राष्ट्रीय सर्वे संस्थान को, और उनके जो काउंटर पार्ट हैं सर्वेयर दोनों रहेंगे इंडिया और नेपाल के, और जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर दिया जाएगा। और 4 किलोमीटर में जो हाफ किलोमीटर का डिस्टेंस छोड़ के बाकी जो 3.5 किलोमीटर है, इसका मेजर काम जल मिश्रण प्रमंडल के द्वारा पूरा कर लिया गया। और जैसे ही वहाँ से टाइम हम लोग को मिल जाएगा उसे पैमाइश कराने की, वैसे ही उसको हम लोग पैमाइश भी करा लेंगे और यह विभाग भी थोड़ा मोड़ा जो है वो समाप्त हो जाएगा। लगभग 500 मीटर का लगभग है, 500 मीटर का लगभग जो बांध का काम था मेजर काम उसका हम लोग पूरा भी हो गया है। जो बांध का स्ट्रेंथनिंग का काम था वह काम पूरा है। अब केवल है कि बांध के ऊपर जो हम लोग को पिचिंग करना है और उसको लेवल वहाँ गिरा के उसको मोटरेबल बना देना, यही वर्क बाकी है। इसके चलते केवल हाइट में वृद्धि होगी। तो चूँकि उन लोगों का काम करना यही था कि नो मैंस लैंड में काम प्रतीत होता है, उसी के लिए नेशनल सर्वे इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट लेटर भी लिखा गया है। और दोनों इंडिया और नेपाल दोनों के सर्वे रहेंगे और 500 मीटर का जो विवाद है इसको हम लोग समाधान करेंगे। नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी हमारे बीच में है और हमारा पूरा विश्वास है कि हम शांतिप्रिय लोग हैं और जो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। उसी के आलोक में जो है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए अभी हम जो है अपनी पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं। बता दें कि इस बांध का कार्य रुक जाने से आसपास के गांव में बाढ़ आ सकती है, क्योंकि पिछले साल ही इसी बांध के रास्ते आई बाढ़ ने बिहार में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें हजारों लोग बेघर हो गए थे और सैकड़ों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। यदि बांध का काम पूरा नहीं होता है तो इस वर्ष भी बरसात में नदी का पानी फिर एक बार तबाही मचा सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में नेपाल बांध की मरम्मत करने देता है कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।